हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टमाटर चाट में पड़ने वाली मठरी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। यहाँ पर इसमें हम एक चम्मच बटर डालेंगे। अब हम इसको बटर को इसमें मिला लेते हैं बढ़िया से। इस तरीके से हमें मिला लेंगे। हम एक चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको दूध की सहायता से इसको बनाएंगे। इसको दूध की सहायता से इस तरीके से मिला रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध को हल्का कुनकुना कर लिया है। इसमें हम पानी की बजाय दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमें टाइट कर गूँथना है। ये मेरा मैदा गूँथ कर इस तरीके से हो गया। इसको मैंने टाइट गूथा हुआ है। इसको गूथने में हमें 30 ग्राम तक दूध लगा है। ये मेरा मैदा गूथ कर तैयार हो गया है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। ये 20 मिनट हो गया है और अब हम मैदे को छोड़कर इसको थोड़ा इस तरीके से फिर से गूथ ले रहे हैं। और अब हम इसको नमक पारा बनाने के लिए बेलेंगे। ये मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन लिया है। ये मैं थाली पे बेल रही हूँ। इसको खूब बड़े आकार में बेल लूँगी और पतला इसको मैं रखूँगी। बहुत पतला बेलूँगी ऊपर इसको। ये हमें इसको इस तरीके से बेलना। ये मेरा बेलकर तैयार हो गया है। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको मैं बहुत महीन महीन काटूंगी इस तरीके से। पूरी काट ली है। अब इसको मैं इधर से भी एकदम महीन महीन काट ले रही हूँ। एकदम जैसे टमाटर चाट में छोटी छोटी मछली रहती है उसी तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। मैंने सारी मछली को कट कर लिया है। अब इसको मैं छानने की तैयारी करती हूँ। ये मेरी सारी मछली कट हो गई है। अब इसको मैं छानूंगी। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें अब मैं रिफाइंड दाल डाल रही हूँ और इस मठरी को अब मैं छानूंगी। मेरा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं मठरी डालती हूँ। अब इसमें मैं मठरी डाल रही हूँ और इसको मैं धीमी आंच पर छानूंगी। इसको मुझे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है। ये हमारे मठरी की थोड़ी थोड़ी कलर
चेंज हो रही है, इसको हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए हमारी मटरी जो है हल्की हल्की गोल्डन कलर में हो गई है, इसमें हमें और 2-3 मिनट तक पकाना है। ये जब खूब गोल्डन कलर में हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी मटरी हो गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी और जल जाएगी। मैंने इसको गैस बंद करके अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये मेरी मटरी इस तरह से मैंने इसमें निकाल लिया है, अब इसको मैं यहाँ प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारी चाट में पड़ने वाली करारी नमक पारे तैयार हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है, मठरी और नमक पारा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।